चुनावी साल को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन भी किसानों व मजदूरों की मांग को लेकर महाभारत की तर्ज पर कुरुक्षेत्र से आंदोलन शुरू करने जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बताया कि हर पार्टी को किसान व मजदूरों से संबंधित 6 मांगों का मांग पत्र भेजा गया है। जो पार्टी सबसे ज्यादा मांगे पूरी करेगी और हिस्सेदारी देगी उसे ही समर्थन दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी भिवानी पहुंचे और जाट धर्मशाला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विस्तार से किसानों व मजदूरों की 6 मांगों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी ज्यादा से ज्यादा मांगे पूरी करेगी उसे समर्थन देने पर विचार किया जाएगा। आज हम भिवानी में इसलिए आए हैं कि 3 फरवरी को कुरुक्षेत्र के पिपली में एक बड़ी रैली रखी गई है और उसमें 2 तरह के फैसले इस बार हमने लेने हैं। जो किसान यूनियन की मीटिंग में फैसला हुआ वो एक फैसला तो ये हुआ है कि अब की बार भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक नहीं रहेगी, क्योंकि 35 से 40% वोट जिसको डलते हैं उसका राज आता है और किसानों और मजदूरों की 65% वोट है और ये अराजनीतिक कह के उसके नाम पर जो है राजनीति से किनारे हो जाते हैं और राजनीति इनका शोषण कर रही है। अब की बार 6 मांगों की चिट्ठी हमने सभी राजनीतिक पार्टियों को लिखी है। जो राजनीतिक पार्टी उन मांगों पे किसानों की बात को ज़्यादा समर्थन करेगी या उनका अपना राज आने पर उन मांगों को लागू करेगी उसका साथ देने के बारे विचार किया जाएगा। और वो मांगे हैं, 1, पूरे देश के किसानों का और जो खेती पे आधारित मजदूर हैं उनका कर्जा माफ़ किया जाए, और दूसरा है C2 फार्मूले से C2+50% जो मोदी जी ने वादा किया था चुनाव के टाइम और पूरे देश के किसानों ने उन पर भरोसा करके उनको वोट दिए थे, वो फार्मूले से रेट तय किए जाएं। अभी उन्होंने A2 फार्मूले से रेट तय किए हैं। A2 में खेत की इनपुट आती है जो खाद, बीज, दवाई, पानी, बहाई, और FL में जो पारिवारिक लेबर है वो आती है, ये खर्चे ही केवल जोड़े गए हैं। खेत का ठेका और जो इनपुट है उसका ब्याज उसमें नहीं जुड़ा है। तो अगर वो जोड़ के रेट दिए जाते तो आज धान का भाव 590 रुपये और बढ़ना चाहिए था। तो दूसरी मांग ये है कि सभी फसलों का C2 के हिसाब से भाव दें। और तीसरी मांग है कि दूध का, सब्जियों का और फलों का, इनका भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो। और चौथा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद की गारंटी का कानून बने और MRP की तरह MSP से नीचे खरीदना दंडनीय अपराध हो। अभी 2014 में जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि 94% फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे बिकती है। आप अगर हरियाणा में देखें, मक्का यहाँ पे इस बार बहुत था, मक्के का रेट 1700 रुपये था लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उसको नहीं मिला किसान को और 1000 रुपये में वो बिका। इसी तरह दालें हैं, इसी तरह तेल वाली फसलें हैं जो MSP पर नहीं बिकती। तो और पांचवी मांग है कि जो हमारे बेरोजगार हैं, एक बड़ी फौज बेरोजगारों की तैयार हो गई है और उनमें काम करने की बहुत ऊर्जा है, देश उनसे काम नहीं ले रहा है, उनसे वो तरक्की में बड़े योगदान कर सकते हैं, उनको 5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति बिना ब्याज के ऋण दिया जाए उनको अपना कारोबार करने के लिए। और छठी मांग है कि जो हमारे बच्चे आगे बेरोजगार हो गए हैं और एक बड़ी फौज होने के कारण वो जो कहीं छोटे उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, कोई छोटी कंपनियों में काम करने के लिए जाते हैं तो उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही। उनको 6000-7000 रुपये मिलते हैं जबकि न्यूनतम मजदूरी करीब 9200 रुपये है हरियाणा। इन 6 मांगों की चिट्ठी सभी राजनीतिक पार्टियों को लिखी है। जो राजनीतिक पार्टी सबसे ज़्यादा हमारी बातें मानेगी और हिस्सा भी देगी राज में उससे समझौता करने के लिए विचार किया जाएगा। एक तो है ये 3 तारीख में, और दूसरा हरियाणा सरकार के प्रति 2 मुद्दे हैं। एक, पड़ोस के 5 प्रदेशों ने अपने किसानों का कर्जा माफ़ किया है। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट मीटिंग करने के बाद ये कह दिया कि हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ़ नहीं होगा। हमारी मांग ये है कि जितना भी ये कर सकते हैं, जितना पड़ोस की सरकारों ने किया कम से कम उतना तो जरूर करें। दूसरा, पड़ोस की जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, कोई धान पे बोनस देती है, कोई गेहूं पे बोनस देती है,
कोई किसी और फसल पे बोनस देती है। तेलंगाना ने 10,000 रुपये पर एकड़ इंसेंटिव देना शुरू कर दिया है। झारखंड की सरकार ने 5,000 रुपये इंसेंटिव देना शुरू कर दिया। एक और सरकार ऐसे ही कर रही है। तो हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है। इन दो मांगों के ऊपर जो हरियाणा सरकार के प्रति हैं और जो हमारी दूसरी मांगे हैं वो भी बीच में हैं, इस पे 3 तारीख को एक बड़ा आंदोलन चलाने का प्रोग्राम है और उसी के संबंध में यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं भिवानी के, उनसे सलाह मशवरा करके यहाँ उसके बारे क्या हो सकता है और यहाँ के लोग जाके वहाँ क्या सहयोग दे सकते हैं, इस पे यहाँ पे चर्चा जो है वो हुई है और अलग अलग तरह की उन पर ड्यूटियाँ लगाई गई। आज मंडी में आंदोलन है, आंदोलन किसी तरह का भी हो सकता है, जेल भरो भी हो सकता है, कहीं रास्ता रोकने का भी हो सकता है, अमरण अनशन का भी हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश हो या प्रदेश, 35 से 40% वोट पाने वाली पार्टी राज करती है, जबकि किसानों व मजदूरों के देश भर में 65% वोट है, जिनके संगठनों को अराजनैतिक मान लिया जाता है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि किसानों व मजदूरों की मांगों को लेकर आगामी आंदोलन का फैसला लेने के लिए कुरुक्षेत्र के पीपली में 23 फरवरी को बड़ी रैली की जाएगी। ये है कि जो सरकारें हैं वो दो तरह से नीतियां बनाती हैं। एक नीति तब बनाती, वो वोट को आगे रख के बनाती हैं राजनीतिक पार्टियां, कि हम क्या नीति बनाएं, क्या बात माने जिससे वोट ज़्यादा मिले, और दूसरा हम आंदोलन कैसा कर पाते हैं उससे बात मानेंगे। अगर इतना बड़ा आंदोलन हम कर पाए जिससे पूरे हरियाणा का किसान और पूरे देश का किसान जुड़ जाए तो हमारी बात मानी जा सकती है, और अगर हमारा आंदोलन कमज़ोर रहता है, अगर हमारी वोट एक जगह नहीं जुड़ती है तो कोई पार्टी हमारी बात मानने वाली नहीं है। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, ये जो है वो कॉरपोरेट के पक्ष की सरकार है, कॉरपोरेट के लिए नीतियाँ बनाती है। पिछले एक साल के अंदर 7 लाख करोड़ के टैक्स छोड़े गए हैं कॉरपोरेट को, जिससे अमीरों की आमदन इस स्तर पे बढ़ी है। अडानी की आमदन एक साल में 62% बढ़ी है, अंबानी की आमदन एक साल में 67% बढ़ी है, बाबा रामदेव की इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ी है। और दूसरी तरफ हमारे देश में गरीबों की हालत ये है कि 20 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हो गए हैं जिनका पूरे दिन में गुजारा नहीं होता, जिनका पूरे दिन में पेट नहीं भरता। तो जो देश की नीतियां हैं उन देश की नीतियों को बदलने की ज़रूरत है, और वो नीतियां जो है ये बीजेपी की तो कांग्रेस से भी ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस की भी नीतियाँ कॉरपोरेट के पक्ष में थी, लेकिन बीजेपी की उससे भी कहीं ज़्यादा, उससे भी 4 कदम आगे निकल गई है। लोगों ने भरोसा किया था कि कांग्रेस से ज़्यादा अच्छा राज बीजेपी का आएगा, लेकिन वो उल्टा और बुरा हो गया। जी ये मैं पहले बता रहा हूँ कि जो आने वाला चुनाव है, हम उसमें किसी का विरोध करके भी दूसरे को जिताएं तो वो भी आगे ऐसा ही बनता है जैसा पीछे आज तक होता रहा है। अब की बार हम नीति ये बदल रहे हैं कि हम उस पार्टी से समझौता करें जो पार्टी किसानों के लिए ज़्यादा काम करे, इसीलिए सारी राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिखे हैं। और अगर कोई पार्टी नहीं आती है फिर उस तरह से विचार कर लें कि बहिष्कार करें, नोटा पे जाएं, क्या करें, वो विचार भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन जेल भरो, रास्ता रोको या आम्र अनशन के रूप में हो सकता है। हिंद एक्सप्रेस के लिए भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट।